मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही सुना दूं। हैं? भोजन में भात का, तत्वों में सात का, और तीर्थंकरों में पारसनाथ का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गुजा का, और पारसनाथ जी की पूजा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और पारसनाथ जी के भजन गाने का, गणित में वर्ग का, गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का, और भगवान पारसनाथ के उपसर्ग का, पूंजी में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और पारसनाथ जी की क्षमा का, नहीं होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और भगवान पारसनाथ की तपस्या का, शरीर में सर का, शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और हमें अपने जाने में अपने घर का, ये वाले घर की बात नहीं कर रही, छोड़ाई मैं तो घर, अभी आप ही हो घर में, मैं तो छोड़ाई क्या, जयपुर का मैं तो बताऊं, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का, सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में पिपरिया का, लखना धवन, व्यापारियों में फोन का, प्रश्नों में कौन का, और आने वालों में लखना दौन का, और कहां से हैं, औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, नहीं होने में विवाद का, और मिलने में प्रसाद का, आने वालों में औरंगाबाद का, सागर, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का, और जालना, बच्चों के पालना का, बच्चों के पालना का, और बच्चों के लालना का, और आने वालों में जालना का, हो गए सारे, कोई बचा, सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, बोले खजराड़ श्री आदिनाथ भगवान की, बोले भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, ये महावीर भगवान की, बोलिए जिनवाणी माता की, बोलिए परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, सावन सुदी सप्तमी है, आज के दिन भगवान मोक्ष गए थे। जब भगवान मोक्ष गए थे, शायद ऐसी ही बारिश हो रही होगी, लेकिन बारिश भी उन्हें रोक नहीं पाई, कर्मों का नाश किया, तो चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णमासी हो, मोक्ष की कोई तिथि, कोई समय, कोई मौसम नहीं होता है। आज यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भक्त पारसनाथ भगवान के हैं। गर्दन हिला रहे हैं लोग, बिल्कुल सही कह रही माता जी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिमाएं पारसनाथ भगवान की हैं। हमारी अम्मा जी का कहना मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, वो अभी दो चार पाँच साल दस साल से हुआ है,
उसके पहले तो कोई मुनीश्वरनाथ भगवान को ऐसे गिन लेते थे जैसे आप नमोकार मंत्र पढ़ लेते हो, पता ही नहीं चलता कब मुनीश्वरनाथ जी निकल जाते थे। ये तो महिमा अभी 7 साल से जब से भगवान जमीन से प्रकट हुए हैं, जब से महिमा फैली है, तब से अनेक अनेक शहरों में मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होनी शुरू हो गई और उनके मंदिर बनने भी शुरू हो गए। पहले मूल नायक के रूप में मुझे लगता कि पूरे भारत में कोई 2-4 जगह होंगी जहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान मूल नायक होंगे, और पारसनाथ भगवान तो आधे भारत में मूल नायक है। काल चल रहा है भगवान महावीर का और मूल नायक है पारसनाथ भगवान। पता नहीं पारसनाथ भगवान का नाम लेने से अपने आप ही अंदर में कुछ होने लगता है। अधिकांश लोग कोई पूजा करें ना करें पारसनाथ की पूजा जरूर करते हैं, कोई पूजा करें ना करें। हर मंदिर में मल्लीनाथ की प्रतिमा मिले ना मिले, शांतिनाथ की प्रतिमा मिले ना मिले, पारसनाथ की प्रतिमा जरूर मिल जाएगी। जब यहाँ मैंने केवल ज्ञान वाटिका बनाने का भाव बनाया कि यहाँ पर 24 वृक्ष वो वाले लगाऊंगी कि जिसमें जिसके नीचे भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और उसके नीचे पेड़ के नीचे चरणों की स्थापना करूंगी, जब ये मैंने बताया तो सबसे पहला भक्त आया, बोले मुनीश्वरनाथ भगवान का दे दूँ मैं तो। बेंगलोर वाले भाई साहब बोले हम तो मुनीश्वरनाथ जी का लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ मुनीश्वरनाथ जी की महिमा है। दूसरे नंबर पे भक्त आया पारसनाथ का, बोले हमें पारसनाथ के चरण दे दो और पारसनाथ का वृक्ष दे दो, हम तो वो ही करना चाहते हैं। अभी अन्य तीर्थंकरों के अभी 10-12 और बचे हुए हैं, आप यदि करना चाहें तो कर लेना, क्योंकि सभी तीर्थंकरों ने 8 कर्मों का नाश किया है, सभी तीर्थंकरों ने तपस्या की है, सभी तीर्थंकर बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन महिमा भगवान पारसनाथ की उपसर्ग की वजह से हो गई है। किस वजह से हुई है? उपसर्ग की वजह से, और उपसर्ग भी एक भाव का नहीं 9 भाव का, एक जन्म का नहीं 9 जन्म तक उपसर्ग सहन किया। आज आप देखो हजारों भक्त लड्डू चढ़ाने के लिए शिखर जी जाते हैं और ऐसी बारिश में वहां वंदना करते हैं, किसकी? पारसनाथ भगवान की। स्टेशन का नाम क्या है? अन्य तीर्थंकर मोक्ष गए कि नहीं गए? वहां से गए हैं ना, लेकिन स्टेशन का नाम क्या है? पारसनाथ। जब पहाड़ चढ़ते हैं तब भजन कौन सा गाते हैं? सांवलिया पारसनाथ शिखर पे, और नहीं विराजे क्या? विराजे हैं, पारसनाथ का ही नाम क्यों? सबके रोम रोम में बसे हैं, सबके दिल में बसे हैं। अटल तकदीर में मेरी श्री अरिहंत लिखा है, आँखों में देख लो मेरी गुरु निर्ग्रंथ लिखा है, जुवा पर देख लो मेरी जय जिनेन्द्र लिखा है, और हृदय को चीर कर देखो प्रभु पारसनाथ लिखा है। हृदय को चीर कर देखो प्रभु पारसनाथ लिखा है। हजारों भक्त अही क्षेत्र जाते हैं जहाँ से भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, हजारों भक्त बड़े गाँव जाते हैं, हजारों भक्त कचनेर जाते हैं, हजारों भक्त मक्सी जाते हैं, हजारों भक्त जगह जगह जाते हैं, बिजौलिया जाते हैं, क्यों? वहां पारसनाथ की महिमा है। लड्डू तो हम वहीं जाकर चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी पारसनाथ है, चिंता मत करना, यहाँ भी पारसनाथ भगवान विराजे हैं। आपने जो लड्डू चढ़ाया है वो भी पारसनाथ के चरणों में चढ़ाया है। आप भी बड़े अतिशयकारी हैं कि भगवान मुनीश्वरत भी हैं और भगवान पारसनाथ भी हैं, दोनों की महिमा यहाँ पर है। तो भगवान पारसनाथ की महिमा अत्यधिक है, जितनी भगवान महावीर की महिमा का गुणगान नहीं करते लोग, उससे कहीं ज़्यादा पारसनाथ की महिमा का गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं। 9 भाव तक, कितने भाव तक?
9 भव तक उपसर्ग सहन किया था। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। कहाँ से शुरू हुआ था ये बैर? मरुभूति और कमठ की पर्याय से। कहाँ से शुरू हुआ था? मरुभूति कमठ की पर्याय से। दोनों भाई थे, सगे भाई थे, एक सज्जन था एक दुर्जन था। एक ही माँ के पेट से जन्मे थे मगर दोनों स्वभाव से अलग थे। एक ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ जीवन जीता था और एक जब तक 10 को सता ना ले तब तक उसको आनंद नहीं आता था, वो था कमठ। मरुभूति राजा का मंत्री था। एक बार राजा को किसी काम से युद्ध में बाहर जाना था तो मरुभूति ने कहा कि महाराज मैं चला जाता हूँ, आप क्यों जाते हो, आपका काम मैं करके आऊँगा। मरुभूति जब बाहर गया तो कमठ ने मरुभूति की पत्नी के साथ में गलत कार्य किया। तब राजा ने उसका काला मुंह करके वहाँ से निकाल दिया। मरुभूति लौट के आया, उसने पूछा मेरा भाई कहाँ है, तो बताया गया उसने ऐसा ऐसा काम किया है इसलिए राजा ने उसे निकाल दिया है। थोड़े दिन तो कुछ नहीं कहा लेकिन थोड़े दिन बाद मरुभूति को भाई की याद आने लगी। मैं ढूंढ कर लाऊंगा, कहाँ है मेरा भाई, पता नहीं कहाँ भटक रहा है, पता नहीं कैसी परिस्थिति में होगा, भूखा प्यासा, भोजन मिला होगा नहीं मिला होगा। बड़ी चिंता हुई मरुभूति को, क्योंकि मरुभूति सज्जन था, मरुभूति सज्जन था। ढूंढने निकल गया। जब जंगल में गया देखने के लिए तो उसने देखा कि कमठ एक सन्यासियों के आश्रम में पहुंच गया और वहां पर एक बड़ी सी शिला हाथ में रख के और तपस्या कर रहा है। कुछ लोग तपस्या इस तरह से अज्ञान तप, ऐसे ही बाल तप ऐसे किए जाते हैं कि वो खड़े रहते हैं, महीनों खड़े रहते हैं, हाथ में शिला है और खड़े हैं आराम से। तो मरुभूति ने जाके उससे निवेदन किया, उसके पैर छुए, क्योंकि कमठ बड़ा था, उसके पैर छुए कि भाई चल घर चल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। कमठ के अंदर गुस्सा भरा पड़ा था, वो उसकी सज्जनता को नहीं जानता था, उसके प्रेम को नहीं समझता था। उसने वो बड़ी सी शिला उठाई और उसके ऊपर पटक दी। मरुभूति का प्राणांत हो गया और मर कर के वहीं जंगल में हाथी बना। यहाँ राजा अरविंद, उन्हें वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ले ली और उसी जंगल में वो तपस्या कर रहे हैं। वहाँ से जब हाथी आया और उसने मुनि अरविंद को देखा, मुनिराज जो राजा थे उन्हें देखा, तो उन्हें जाति स्मरण हो गया, अरे ये पिछले जन्म में राजा थे, मैं मंत्री था, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था। वो हाथी जाकर मुनिराज के सामने बैठ गया और आँखों से आंसू गिरने लगे। तब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि ये पिछले जन्म का मेरा मंत्री है। और फिर उन्हें संबोधन किया, अनुव्रत दिलवाए। मरुभूति के जीव ने हाथी की पर्याय में अणुव्रतों का पालन किया। किसका पालन किया? अणुव्रतों का पालन किया और पालन करते हुए अंतिम में समाधि मरण करके मरण किया तो 12वें स्वर्ग में देव हुआ। लेकिन वहाँ भी कमठ मर करके कुक्कुट सर्प बना और उसने हाथी को काटा। कमठ क्या बना? कुक्कुट सर्प, जो बहुत जहरीला होता है, और उसने हाथी को काटा, उससे प्राणांत हुआ हाथी का। लेकिन वो भक्ति के भावों से मरण को, समता के भावों से मरण को प्राप्त हुआ इसलिए 12वें स्वर्ग में देव हुआ। फिर मरुभूति आए, किसी राजा के यहाँ जन्म लिया, फिर उन्होंने तपस्या की, ये मर करके नरक चला गया, फिर नरक से फिर आया, कहीं भील हुआ तो उसने ऐसे बाण चलाए कि मुनिराज को
फिर उसने मृत्यु दे दी, लेकिन वो समाधि मरण करके स्वर्ग गए। फिर ये भील मरकर नरक गया। फिर अगली पर्याय में वो न अजगर बना आकर के यहाँ, ये फिर किसी सेठ के यहाँ पर आके फिर पुत्र बने। फिर जब वैराग आया फिर दीक्षा ली, अजगर ने मुनिराज को निगल लिया, फिर वो नरक गया, फिर ये स्वर्ग गए। ऐसे करते करते 9 भव बीते। कितने? 9। एक कहाँ जाता था? स्वर्ग। और एक कहाँ जाता था? नरक। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? अभी भी आ गई? क्या आई? क्रोध नीचे जाता रहा और कष्ट पाता रहा, क्षमा स्वर्ग जाती रही और सुख पाती रही। कहीं से कहीं तक कोई प्रतिकार नहीं किया, कहीं से कहीं तक बदले की भावना नहीं रखी, कहीं से कहीं तक उसे कष्ट देने की भावना नहीं रखी कि उसने मुझे कष्ट दिया है तो मैं भी उसे कष्ट दूंगा। कहीं भी मन में ऐसी भावना नहीं आई। इसका फल रहा कि वो स्वर्ग गए। और उसके मन में हर जन्म में कष्ट देने की भावना थी। ऐसा पैर बांधा था कि जब तक वो मार नहीं देता था तब तक उसको चैन नहीं आता था। तो बैर मर करके नरक जाता रहा और क्षमा स्वर्ग जाती रही। वो उतने साल तक नरक में कष्ट सहन करता रहा। नरक में क्या सुख है? क्या दुखी दुख है? वो उतने साल तक, उतने वर्षों तक, उतने सागरों तक, जितने सागर वो ऊपर सुख से रहते थे उतने सागर वो नीचे दुख से रहता था। इतने दुख सहन करने के बाद भी उसने छोड़ा नहीं बैर। फिर नौभा भाव आया। जब भगवान पारसनाथ तीर्थंकर बनने वाले हैं और उसके बाद कमठ जो है वो सन्यासी था और बचपन में वन क्रीड़ा करने के लिए गए पारसनाथ। उन्होंने देखा कि वो सन्यासी एक बड़ी सी लकड़ी जलाकर उसके सामने तपस्या कर रहा है। वो वहाँ से उतरे हाथी से और सन्यासी के पास गए। बोले, तुम ये क्या कर रहे हो? इस लकड़ी के अंदर नाग नागनी का जोड़ा है। बोले, तुझे कैसे पता? तू क्या जानता? बालक है अभी तू, मैं सन्यासी हूँ, मैं बड़ा हूँ। बोले, इसको चीर के देख लो। तो उनकी बात को झूठा करने के लिए सन्यासी ने उस लकड़ी को चीरा तो उसमें से नाग नागनी का जोड़ा आधा जला हुआ बाहर आया। तब उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया तो वो भवनवासी देव हुए। आप पार्श्वनाथ स्तोत्र में पढ़ते ना, किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, पढ़ते हो ना। तो अधोलोक स्वामी का क्या मतलब होता है? जो भवनवासी देव हैं वो इस धरती के नीचे रहते हैं, नरक के ऊपर और इस धरती के नीचे रहते हैं। वहाँ उनके भवन बने हुए हैं तो वहाँ के स्वामी बने, वहाँ का भवनवासी इंद्र बने जाकर के। और फिर वो तो बन गए जाकर, यहाँ वो सन्यासी का जीव मरण को प्राप्त हुआ तो वो व्यंतर बना। क्या बना? वो व्यंतर बना। अब जैसे जैसे पार्श्वनाथ जी बड़े हुए उन्हें वैराग आया, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली, वो ध्यान कर रहे हैं बैठ करके। यहाँ से व्यंतर देव जा रहा है विमान में बैठ करके, तो किसी तीर्थंकर के ऊपर या किसी मुनि के ऊपर या किसी मंदिर के ऊपर से विमान नहीं उड़ता है, अटक जाता है, तो उसे घुमा के ले जाना पड़ता है। ऊपर जब विमान उसका अटका तो उसको क्रोध आया, कौन दुष्ट बैठा है नीचे जिसने मेरा विमान रोक दिया? जाकर अभी देखता हूँ। नीचे जाकर देखा, अरे ये तो वही है, हर जन्म में मैं इसको मारता रहा, ये अभी तक नहीं मरा। ओहो, आज फिर वैसे ही बैठा हुआ है। क्रोध से लाल हो गया, आग बबूला हो गया। और व्यंतर तो था ही, शक्तियाँ तो थी उसके पास में। उसने बारिश शुरू कर दी,
तूफान शुरू कर दिए, डरावनी आवाजें शुरू कर दी, बारिश अभी भी हो रही है, हैं? इससे भी घनघोर बारिश थी जिस समय उसने बारिश की होगी। पत्थर पानी ओले शोले बरसा कर की थी मनमानी, और यहाँ भगवान वही शांति। कोई आँख ही नहीं खोली, ध्यान में बैठे हैं प्रभु, उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। यदि आपके घर में शादी का बैंड बज रहा हो तो बाहर क्या हो रहा है पता चलता है? अरे बोलिए ना, नहीं पता चलता। क्यों नहीं चलता? इतनी जोर जोर से बैंड बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, कुछ बाहर का पता नहीं चलता है। भगवान पार्श्वनाथ आत्मा के ध्यान में इतने ज़्यादा लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं कि बाहर तूफान भी चल रहा है। वज्रवसम नाराज संगनन था। कौन सा संगनन? वज्र वृषभ नाराज संगनन, यानी कि उनकी हड्डियां किस चीज की थी? वज्र की थी। वज्र की हड्डियों की क्या विशेषता होती है? वज्र की हड्डी वाला यदि पत्थर पे गिरेगा, बोलो ना, पत्थर टूटेगा। और यदि अभी जो हड्डी वाला आदमी है वो पत्थर पे गिरेगा, अरे बोलो ना, हड्डी टूटेगी। हाँ, तो उनके ऊपर यदि पत्थर गिर भी जाएगा तो उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोक्ष जाने के लिए ऐसी शक्ति चाहिए कि पत्थर भी ऊपर गिर जाए तो फर्क ना पड़े। कोई पानी में डुबा दे तो मरण नहीं होता है, ना अग्नि में जलता है। वज्र वसम नारा संगनन वाला जहर से नहीं मरता, उसे जहर भी खिला दो तो नहीं मरने वाला है, कोई चीज असर नहीं करती उसे। तो अब यहाँ पर भवनवासी देव जो थे, जो नाग और नागनी बने थे, धर्मेंद्र और पद्मावती, उनका आसन कंपायमान हुआ। उन्होंने देखा, अरे मेरा आसन क्यों हिल रहा है? पता चला भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। आ गए पद्मावती और धर्मेंद्र, छत्र बनाया एक ने, और एक ने भगवान को ऊपर उठा लिया। नीचे पानी भरा है, भगवान ऊपर हो गए, ऊपर छत्र लगा है। कौन सा वाला? यदि पुण्य हो तो नाग और नागिन भी रक्षा करते हैं, और पाप हो तो नाग और नागिन भी मृत्यु दे देते हैं। तो इतना अतिशय भगवान का कि भवनवासी देव आए और उन्होंने प्रभु की रक्षा करी। अब यहाँ जो व्यंतर देव ने देखा कि मेरा तो करने का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और यहाँ भगवान ऐसे ध्यान में लीन हुए, ऐसे ध्यान में लीन हुए कि उनके चार घातिया कर्मों का नाश हो गया। क्या हो गया? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये चार घातिया कर्मों का नाश हो गया। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके आसपास के जितने जीव जंतु होते हैं सब अपना बैर भाव भूल जाते हैं, कषाय से रहित हो जाते हैं। तो वो जो व्यंतर था वो भी भूल गया कि मैं इनके प्रति विरोध में था, इनके प्रति मेरा बैर था, इनके प्रति मेरा गुस्सा था। भगवान के केवल ज्ञान का ऐसा प्रभाव हुआ कि वो कमठ भी अपना बैर भूल गया और जाके भगवान के चरणों में झुक गया, और उस कमठ ने भी सम्यक दर्शन की ही प्राप्ति कर ली। हम कमठ की बुराई तो बहुत करते हैं, मगर उसने तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्राप्ति होने के बाद फिर समोशरण की रचना हुई, फिर जगह जगह भगवान का समोशरण विहार किया। और जब भगवान को मोक्ष जाना था उसके पहले भगवान सम्मेय शिखर के पहाड़ पर पहुँचे, स्वर्ण भद्र कूट पर पहुँचे, और वहाँ जाकर के योग निरोध प्रारंभ किया। और आज के दिन भगवान ने आठों कर्मों का नाश करके और मोक्ष की प्राप्ति
कर ली थी। तो भगवान ने आज के दिन मोक्ष पाया, आप क्या करोगे आज के दिन? चलो एक माला फिर ले लिया, ठीक है, एक एक माला जरूर फिर लेना। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः की एक माला सब लोग जरूर फेरना, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पार्श्वनाथ के भक्त हैं या कमठ के भक्त हैं? अरे बोलिए ना, पार्श्वनाथ के भक्त हैं। तो पार्श्वनाथ ने क्षमा करी थी कि क्रोध किया था? कमठ ने क्या किया था? आप क्या करते हो? हैं, क्रोध करते हैं? तो हम किसके भक्त हुए? हैं, दोनों करते हैं। तो बीच वाला मामले वाले भगवान तो कोई है ही नहीं है, या तो क्रोध वाले हैं या क्षमा वाले हैं, बीच वाले कोई भगवान नहीं है। जिनका मैं नाम बोल दूं कि बीच वाले भगवान, जिन्होंने क्षमा भी किया और क्रोध भी किया, ऐसा तो इंसान ही हो सकता है, भगवान नहीं हो सकते हैं। तो हम पार्श्वनाथ के भक्त हैं। भक्त क्यों है? उन्होंने उत्तम क्षमा की थी। कौन सी क्षमा की थी? उत्तम क्षमा की थी। किसको क्षमा किया था? कमठ को। जबकि उसने हर जन्म में उन्हें कष्ट दिया और उन्होंने हर जन्म में उसे क्षमा किया। तो आप अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकते हो? अरे बोलिए ना, कर सकते हो कि नहीं? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा है ना। सबसे क्षमा मांग लेना कि भाई जो गलती हो गई हो तो क्षमा करो, मेरी तरफ से क्षमा है और तुम भी क्षमा दो। खम्मामि सव्वे जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा भगवान के सामने जाकर के रोज भावना बानी चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान हो तो उनके सामने तो बानी चाहिए, बाकी अन्य कोई तीर्थंकर हो तो उनके सामने भी ऐसी भावना भाई जा सकती है, है ना। तो भगवान पार्श्वनाथ का आज मोक्ष हुआ था, वो अपने घर पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे आज के दिन? वो अपने घर पहुंच गए थे। अब आप यहाँ से कहाँ जाओगे? कहाँ है तुम्हारा घर, बोलो ना। हाँ बिलाला जी, कहाँ है तुम्हारा घर? जयपुर में तुम्हारा घर। घर का मतलब होता है जो कोई खाली ना करवा सके, जहाँ से तुम्हें कभी जाना ना पड़े, जहाँ से तुम्हें कोई निकाल ना सके, उसको कहते हैं घर। तो जहाँ आप जाओगे तो वहाँ आप कितने दिन रहोगे? 100 साल, 200 साल, 500 साल, 50 साल भी नहीं हो पाएंगे। तो फिर वो आपका घर कहाँ हुआ? वो तो धर्मशाला हुई। धर्मशाला उसे कहते हैं जहाँ खाली करना पड़े। जो घर हमें खाली करना पड़े उसे धर्मशाला कहते हैं। तो जहाँ आप जाओगे वो तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो वो घर कहाँ हुआ आपका? अरे बोलिए ना, घर तो भगवान पहुंचे हैं अपने। अब मोक्ष से कभी वापिस नहीं आएंगे। हम निगोद से निकले हैं और मोक्ष में हमारा घर है। हम अभी तक कहाँ थे? तो हम निगोद में पड़े हुए थे। धीरे 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 करके हम बाहर आए, फिर हम यहाँ तक पहुँचे, हमारी प्रमोशन हुई और हम मनुष्य पर्याय तक पहुँच गए। और मनुष्य बनने के बाद में हम और पुरुषार्थ करें तो ये जो मनुष्य पर्याय है ये ही घर जाने का साधन है। ये शरीर का घर है जहाँ तुम जाओगे। किसका घर है? शरीर का घर है। और शरीर भी कौन सा? जिस शरीर में अभी तुम रह रहे हो। जैसे ही अगला शरीर पाओगे ना, और तुम यदि कहोगे, तुम्हें याद आ जाए कि मेरी ये कोठी है, मैंने पिछले जन्म में इसको बनवाई थी, मैंने करोड़ों रुपए लगाए थे, और उस घर में पहुंच जाओ, घर वाले रख लेंगे? बोलो, रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। हैं, यदि बाई चांस किसी कारण से मर करके व्यंतर बन गए और उस घर में पहुंच गए और घर वालों को दिखने लगे तो घर वाले क्या करेंगे? इतनी बड़ी कोठी बनाई है, रहने नहीं देंगे आपको? अरे बोलिए ना,
डंडे और मारेंगे, बुला के झड़वा फुकवा के निकलवा देंगे वहां से तुम्हें। तो कहां तुम्हारा घर हुआ? आत्मा का घर है मोक्ष। जिसे आज आप घर कहते हो वो अस्थाई है। जब तक इस शरीर में रह रहे हो तब तक वो घर है। इस शरीर से निकलने के बाद में वो तुम्हारा घर नहीं रहेगा। तो हमारा स्थाई पता क्या है? अभी आपसे आपका स्थाई पता पूछें तो क्या बताएंगे? भाई साहब आप बताओ आपका स्थाई पता क्या है? हैं, चलो समझ गए हमारा स्थाई पता मोक्ष है। तो अभी आप किराए के मकान में रहते हो, ये भी किराए का मकान है, अब आप कहोगे किराया थोड़ी देते, सारे दिन तो देते हो, कभी दवाई खाते हो, कभी रसगुल्ला खाते हो, कभी ये खाते हो, कभी कुछ करते हो, ये किराया ही तो है, सारे दिन इसकी सेवा में लगे रहते हो। तुम जिस घर के किराए के मकान में रहते तुम उसको जितना टाइम नहीं देते, उससे ज्यादा टाइम इसको देते हो तुम। ये घर भी खाली करा लिया जाएगा। जब तेरी डोली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। मुहूर्त भी नहीं है यहाँ। यदि किराए के मकान में रह रहे हो तो नियम है 2 महीने पहले बताना पड़ेगा, 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, तब खाली करवाएंगे। इसको खाली करने की कोई डेट नहीं है, कोई समय नहीं है, ना दिन है ना रात है ना स्थान निश्चित है कि कहाँ खाली करा लेंगे ये वाला घर। जहाँ आयु कर्म पूर्ण होगा वहीं खाली करना पड़ेगा आपको। तो हमारा स्थाई पता क्या है? मोक्ष है, है ना? तो मोक्ष की तरफ जाने के लिए कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे। अरे बोलिए ना, बढ़ाने पड़ेंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे? तो धर्म के माध्यम से ही एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे। आप ग्रस्त में रह रहे हो तो ग्रस्त धर्म का पालन करो। जब आपको लगेगा कि हाँ अब हम परिपक्व हो गए हैं तो आप दीक्षा लेकर के मुनि धर्म का पालन करो। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक एक कदम चलते चलते एक दिन मोक्ष में पहुंच जाएंगे। आप तेज मत चलो, आप भले धीरे चलो लेकिन चलो मंजिल की ओर। किस ओर चलना है? मंजिल की ओर। यदि तेज भी चल रहे हो और विपरीत दिशा में चल रहे हो तो गाड़ी को फिर पलटा के लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उतना रास्ता नापना, गलत रास्ते पे चले जाओ तो लौटने में दिक्कत होती नहीं होती है? भटक जाओ कभी तो दिक्कत होती है ना। तो बस भटकना मत, भले एक एक कदम चलना मगर चलना इसी मार्ग पर। तो जहाँ भगवान पारसनाथ गए हैं हम भी वहाँ एक दिन पहुँच जाएंगे। अच्छा, जाना है कि नहीं जाना? कि यहीं भटकते रहना, शरीर ही बदलते रहना है। शरीर बदल लो, कभी मनुष्य का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी बंदर का शरीर, कभी बस यही करते रहना है। बोलिए ना, हाँ मोक्ष जाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने किया है क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी थोड़ी करो, फिर थोड़ी और ज़्यादा करना, फिर थोड़ी और ज़्यादा करना, धीरे धीरे भगवान जी के पास पहुँच जाएंगे, अपने घर पहुँच जाएंगे, जहाँ से कभी वापस नहीं आना पड़ेगा, है ना? चलिए, समय हो गया है, बोलिए 24 भगवान की।